हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती ही होती है। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे पेंट रिमूवर के बारे में। ये एक पेंट रिमूवर का डब्बा है 1 लीटर का, जो कहीं भी अपना आसानी से ऑयल पेंट हो, कहीं से भी निकालना हो तो उस पर अप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन जानेंगे, पूरा डिटेल रिव्यू लेंगे कि ये चीज़ काम कैसे करती है और क्या ये वाकई में कलर निकालती है या नहीं, ये इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इस पर कुछ लिखे हैं वो चीज़ें देख लेते हैं अपन कि इसको बच्चों से दूर रखना है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है इसके। जी, बच्चों से दूर रखना। उसके बाद है इसको कि इसका ढक्कन एनी टाइम, जब भी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम इसका ये जो ढक्कन है, दोनों दो ढक्कन आते हैं इसके अंदर, दोनों ढक्कन अपने को बंद रखने हैं। और अति ज्वलनशील पदार्थ है, इसको टच नहीं करना है अपने को। उसके बाद कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, डायरेक्ट सनलाइट और धूप से इसको दूर रखना है। और अगर कभी अपनी आँख में गिर जाए तो तुरंत अपनी आँख धो के डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। फिर स्ट्रिक्टली इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर प्रोफेशनल लोगों के यूज़ के लिए है। कोई भी इस चीज़ को हल्के में ना लाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है ये। तो जब भी अपन इसको काम करें तो बहुत सावधानी से काम करना है। बाकी अभी अपन इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अपन 2-3 चीज़ों पर इसका टेस्ट करेंगे। एक तो ये जैसे कि हथौड़ी है, इस पर लगा के देखेंगे कलर निकलता है या नहीं। फिर इसके बाद 1-2 डब्बे हैं मेरे पास। एक ये एशियन पेंट का डब्बा है खाली, जिसकी हालत ख़राब है, इस पर भी लगा के देखेंगे कि इस पर कलर ये निकाल पाता है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से 1-2 डब्बे और हैं ये। और ये तो हो गई ऑयल पेंट की बात। ऑयल पेंट निकालने के बाद अपन और देखेंगे कि क्या ये इमल्शन जो प्लास्टिक पेंट होता है वो निकालता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है अपने को। आपको पूरी जानकारी देता हूँ मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसको यूज़ करने से पहले अपने को एक बार इसको थोड़ा सा हिला लेना है अच्छे से। ये इस पर लिखा भी है स्टीर वेल बिफोर यूज़, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिला के और इसको खोलते समय अपने को एक सावधानी रखनी है कि जब भी अपन इसको खोलें तब इसके ऊपर एक ऐसा वाइट कपड़ा ऐसे रख के फिर इसको खोलें, ताकि अंदर जो गैस बनी हुई है उससे अपने ऊपर छींटे ना उड़ाए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं जैसे खोल रहा हूँ वैसे आपको खोलना है, और हो सके तब तक अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें और आँखों में चश्मा लगा लें, ठीक है दोस्तों। ये 2-3 चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है और इस तरह से अपन इसको खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये खुल गया है। इससे क्या होगा कि अपने ऊपर अगर गिरता भी है अंदर से गैस से, तो अपने ऊपर नहीं आएगा, डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं आएगा। कोई भी इस चीज को हल्के में न लाए, पूरा एसिडिक आता है ये। इस तरह से खोलने के बाद ढक्कन निकाल ली मैंने, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, अपने को जितना माल चाहिए उतना एक खाली एक्सेस डब्बा लेंगे, उसमें निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। इसमें निकालने के बाद अपने को ढक्कन बंद कर देने हैं डब्बे के दोनों। उसके बाद अपन एक ऐसा ब्रश लेंगे, 2 इंची 3 इंची आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या पुराना ब्रश हो वो भी ले सकते हो आप। ब्रश ले लेंगे अपन। जैसे मेरे पास पुराना नहीं था तो मैंने नया ले लिया है। और उसके बाद डायरेक्ट अपने को कुछ नहीं करना है, इतना याद रखें कि आँखों पर चश्मा जरूर रखें या फिर धीरे धीरे से काम करें। फिर डायरेक्ट अपन को माल ये ब्रश से मटेरियल लेके और जहाँ से कलर निकालना है वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अपने को अप्लाई लेना है और इसके 1 से 2-3 मिनट में आपको इसका रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट दिखने लगा है केमिकल का। देखिए, आपको बूंदे दिख रही होगी कुछ, जो कलर निकलने लग गया है। इसी तरह से 1 से 2 मिनट में पूरा कलर बाहर निकल के बाहर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं डब्बे की दूसरी साइड लगा के दिखा रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा एक्सेस कलर भी लगा हुआ है, ब्लैक कलर। इससे वो भी निकल जाएगा और दोनों परतें निकल जाएगी। आपको इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ ऐसा लगता है आपको, वहाँ पर थोड़ा जो मटेरियल है वो भी थोड़ा ज़्यादा डालना है, ताकि वो आसानी से निकल जाए।
ये देखिए दोस्तों, इससे सारा कलर ये निकल गया। देखिए आप, ये आपको दिख रहा है सारा का सारा कलर इसने यूं का यूं निकाल दिया। अंदर से मेटल आ गया है बाहर, और कहीं कहीं से अगर नहीं निकलता है तो उस जगह वापस अप्लाई करना है अपने को पेंट रिमूवर को। ये देखिए इस डिब्बे की हालत देखिए आप, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं इमल्शन निकाल के दिखाता हूँ अगर इमल्शन इससे निकलता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने इमल्शन पेंट के कुछ सैंपल लगे हैं, अपन इस पर लगा के ट्राई करेंगे कि यहाँ से ये निकलता है या नहीं पेंट रिमूवर से। ठीक है दोस्तों, इसको लगाने के 2 से 3 मिनट तक अपने को वेट करना है। 2 से 2, 3, 4, 5 मिनट तक अपन वेट कर सकते हैं, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा सामने। ये लगाने के बाद 2 से 3 मिनट बाद जब हमने देखा तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ इमल्शन पेंट पर, पेंट रिमूवर का। आपको जो ये छोटा मोटा जो कलर निकलता हुआ दिख रहा है वाइट वाइट, वो वाला ऑयल पेंट ही था जो निकल गया, बाकी जो इमल्शन था वो इससे कुछ खास निकला नहीं। खास क्या, बिल्कुल नहीं निकला। तो इसमें ऐसा है कि खास करके इस ब्रांड से, जो ब्रांड अपन ने यूज़ की है उसी ब्रांड से, यानी बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे पेंट रिमूवर देखे हैं जिनसे इमल्शन भी निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, पर इस ब्रांड से ये नहीं निकला है। ठीक है दोस्तों, तो इससे सिर्फ अपन ऑयल पेंट निकाल सकते हैं आसानी से। बाकी ये देखिए आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ, जो जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको वो ऑयल पेंट लगा हुआ था पहले से, वो वाला निकल गया, बाकी इमल्शन नहीं निकला है इससे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इससे इमल्शन बिल्कुल नहीं निकल रहा है जो मैंने यूज़ किया है वो। तो दोस्तों, हमने ये दोनों चीज़ों पर लगाकर देख लिया, डॉक्टर वुड का जो पेंट रिमूवर था, इमल्शन पर भी लगाया आपने और इनेमल पर भी लगाया, और इनेमल पर भी ये अच्छा काम किया इसने, पर इमल्शन पर ये वाला खास करके ये ब्रांड का काम नहीं कर सका। और दूसरे बहुत सारे ऐसे आते हैं जो इमल्शन पर भी काम करते हैं पेंट रिमूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो, और ये कहाँ से मंगवाना है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने ये डॉक्टर वुड का फ्लिपकार्ट से मंगाया था, नेट 1 लीटर क्वांटिटी मेरे को 519 रुपये में पड़ी थी, पर आपको मैं एक दूसरा लिंक दे दूंगा वहाँ से आप मंगा लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, आपको रेट भी कम मिलेगा और क्वालिटी सेम जो मैंने यूज़ की है वही क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बाकी पूरा वीडियो आपके सामने था, इसने कैसा वर्क किया, ये दोनों डब्बे आपके सामने पड़ा है। और हाँ, मैंने एक हथौड़ी पर भी लगाया था, पर हथौड़ी पर से पेंट निकला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकला, तो मैंने वो वीडियो में नहीं डाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।